प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं। प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि है, यह अखरोट के आकार का अंग है। यह ग्रंथि पुरुष की मूत्र नलिका के पास और मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। इसमें शुक्राणुओं का कुछ अंश निर्मित होता है। जन्म के समय इसका वजन केवल कुछ ग्राम होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी बढ़ता जाता है। प्रोस्टेट सूजन का मुख्य कारण मूत्राशय में जीवाणु के फैलने से होता है। प्रोस्टेट सूजन से अधिक पेशाब आने लगता है एवं बुखार हो सकता है। पेशाब करने में दर्द, जलन और खुजली होती है तथा प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों को प्रोस्टेट के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, अन्यथा यह प्रोस्टेट कैंसर का भी कारण बन सकती है। इस वीडियो में हम आपको प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या खाएं? जिंक पदार्थ। प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए जिंक पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जिंक फूड अनाज में गेहूं के अंकुर, हरी पत्तेदार सब्जियों और मशरूम, सूरजमुखी और अलसी के बीज, नट्स के सेवन से मिलता है। सौ पालमेटो। सौ पालमेटो बेरी जैसा एक फल होता है। इस बेरी का सत्व प्रोस्टेट की समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोगी होता है। यह पेशाब के बहाव में काफी सुधार लाता है और प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के लक्षणों को कम करता है। प्रोस्टेट के लिए आयुर्वेदिक उपचार। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में सहायक है और यह प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ने से रोकता है, साथ ही यह प्रोस्टेट कैंसर के खतरे से भी बचाता है। इसलिए प्रोस्टोक्यो कैप्सूल प्रोस्टेट की समस्या से बचने का प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां प्रोस्टेट के आकार को बढ़ने से रोकती है एवं प्रोस्टेट रोग की समस्याओं से बचाती है। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल सभी उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन या वृद्धि का इलाज करता है। यह आयुर्वेदिक कैप्सूल प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार कर इसके कार्यों को बढ़ावा देता है। यह आयुर्वेदिक उपचार स्खलन बल में सुधार और वीर्य की मात्रा में वृद्धि करता है। यह मूत्र संबंधी सभी समस्याएं जैसे दर्द, जलन या पतली मूत्र धारा आदि को दूर करता है। यह प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण होने वाले नुकसान से गुर्दे और मूत्र प्रणाली के अन्य अंगों की सुरक्षा करता है। एक बार जब ग्रंथि अपने सामान्य आकार में वापस आ जाती है तो यह उचित तरीके से काम करना शुरू कर देती है, जिससे पुरुष अपनी शक्ति और पौरुष को पुनः प्राप्त कर लेता है। बुजुर्ग पुरुषों द्वारा इन सप्लीमेंट्स का उपयोग ग्रंथि के बढ़े हुए आकार या सूजन को कम करने के साथ प्रोस्टेट को बढ़ने से रोकता है। यह सभी उम्र के पुरुषों के लिए उपयुक्त है और पूरे पुरुष प्रजनन प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह बार बार पेशाब लगना, रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब के साथ वीर्य की समस्या, पेशाब का टपकना या वीर्य की कमी जैसी समस्याओं का इलाज करने में भी अत्यंत प्रभावशाली है। प्रोस्टोक्यो कैप्सूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए क्या नहीं खाएं?
प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए फैट और चिकनाई वाला भोजन कम से कम करें और रेड मीट के सेवन से भी जरूर परहेज करें। डिब्बा बंद टमाटर सॉस या अन्य डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों से दूर रहें। जंक फूड, चिप्स, अधिक चीनी, मैदा आदि से परहेज करें। प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या में कैफीन, चाय, कॉफी, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि का सेवन नुकसान करता है। प्रोस्टेट की समस्या में बहुत ज्यादा तीखे मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए। निष्कर्ष, प्रोस्टोक्यो कैप्सूल में जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जैसे गोपशुरा, शतावरी और इलायची आदि। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए प्रोस्टोक्यो कैप्सूल अत्यंत प्रभावशाली है, जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाने में सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। गदूद बढ़ने की प्रारंभिक अवस्था में इस कैप्सूल के सेवन से प्रोस्टेट स्वास्थ्य में तेजी से फायदा मिलता है। प्रोस्टेट के लिए आयुर्वेदिक उपचार, सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित, 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, GMP प्रमाणित गुणवत्ता, संपूर्ण भारत में उपलब्ध। Buy Prostecure capsules from AyushRemedies.in. Product link video description में दिया गया है। यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें।